राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं, तो वहीं बड़ी खबर आपको दे दें, राजस्थान की सियासत में ऑडियो को लेकर बवंडर आ गया है। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एसओजी को शिकायत दे दी है और बीजेपी नेता संजय जैन को एसओजी ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेने के बाद संजय जैन की गिरफ्तारी भी यहां पर बताई जा रही है, हो सकती है राजद्रोह के तहत सरकार गिराने की साजिश का आरोप यहां पर संजय जैन पर है। आशुतोष जीविडा संवाददाता ग्राउंड से जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले पर जानकारी के साथ। आशुतोष, अब क्या जानकारी मिल पा रही है संजय जैन की गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, कल ही हमने ये जो इनपुट था पूरा एसओजी का वो शेयर किया था और सबसे पहले हमने दिखाया था कि किस तरीके से संजय जैन नाम का जो ये शख्स है इसको एसओजी ने हिरासत में लिया और उससे तकरीबन 5 से 6 घंटे तक पूछताछ चली थी और देर शाम होते होते कुछ ऑडियो सामने निकल के आए जिसमें पूरा जो घटनाक्रम है वो बदलता हुआ दिखाई दिया। दरअसल संजय जैन को लेकर एसओजी के पास में कुछ ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट थे जिनको लेकर इस तरह की जानकारी एसओजी के पास पहुंची थी कि सरकार को अस्थिर करने के लिए ये शख्स कुछ बड़े जो लीडर्स हैं उनके साथ मिलकर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, विधायकों की खरीद फरोख्त करने में भूमिका निभा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर एसओजी के पास में अपना कुछ इनपुट था, लेकिन देर शाम होते होते कुछ ऑडियो सामने निकल के आते हैं जिसके बाद में पूरा जो घटनाक्रम है उसमें जो राजनीतिक तौर तरीका है वो सामने निकल के आ जाता है, जो हाल फिलहाल राजस्थान के जो परिदृश्य में देखने को मिल रहा है। लगातार कुछ इस तरह के जो ऑडियो हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त का जो मामला है वो तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। एसओजी लगातार संजय जैन को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है और बहुत हद तक संभव है कि अगर जो इंटेलिजेंस कलेक्शन एसओजी के पास में मौजूद है और ऑडियो का जो वेरिफिकेशन किया जाएगा, जो सत्यापन किया जाएगा ऑडियो को, उनके बाद में इस शख्स की गिरफ्तारी भी संभव है। अभी तक कोई एसओजी सूत्रों से जो जानकारी हमें मिल पाई है उसमें यह बात स्पष्ट कही गई है कि अभी पॉलिटिकल इसका जो कोई बैकग्राउंड है वो सामने निकल के नहीं आया, लेकिन एक बड़े लाइजनर की जो भूमिका होती है वो इस शख्स की नजर आती है। बड़े बड़े रसूखदार लोगों के संपर्क में ये था, इसके अंदर बड़े बड़े नेता भी शामिल थे, पुलिस महकमे के कुछ आला अधिकारी भी इसके संपर्क में रहते थे। यहां तक कि एक दौर ऐसा भी था जब ये पुलिस महकमे के अंदर जो पोस्टिंग होती है सीआई स्तर की उन तक में एक बड़ी भूमिका निभाता था, तो इस व्यक्ति के काफी रसूखदार लोगों से संपर्क है। एसओजी अब इस पूरे मामले में जो खरीद फरोख्त का मामला है उसको लेकर, जो ऑडियो सामने आया है उसको लेकर पूरे मामले की तथ्यात्मक जांच करेगी। यानी बैकग्राउंड जो है वो भी पूरी तरीके से आशुतोष जो है संजय जैन का खंगाला जा रहा है, लेकिन ये साफ है कि जिस तरीके से ये ऑडियो टेप सामने आया उसके बाद ये पूरी कार्रवाई एसओजी की तरफ से की जा रही है। तो क्या कुछ और नाम जिनका जिक्र यहां पर कांग्रेस जो कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें जिक्र किया गया है, क्या उन लोगों को भी बुलाया जा सकता है एसओजी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए? देखिए, इससे पहले एफआईआर संख्या 47 की मैं बात करूंगा जो एसओजी के मुख्यालय में दर्ज की गई थी जिसमें खरीद फरोख्त का मामला था। उस पूरे घटनाक्रम में तकरीबन 16 लोगों को अब तक नोटिस दिया गया है पूछताछ के लिए, जिसके अंदर खुद जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो शामिल हैं, जो सचिन पायलट हैं वो शामिल हैं, जो तमाम निर्दलीय विधायक हैं वो शामिल हैं। उन सबसे भी उनको ये कहा गया नोटिस देकर के, आपके पास इस संबंध में किसी तरह की कोई जानकारी है तो आप हमसे साझा करें। इस घटनाक्रम की बात करें जो ऑडियो सामने निकल के आया है या एसओजी के जो इनपुट हैं उनके आधार पे एक एफआईआर जल्द एसओजी दर्ज कर सकती है, लेकिन पहले पूरे घटनाक्रम का सत्यापन किया जाएगा। एसओजी के पास में जो इनपुट है और जो शिकायत मुख्य सचेतक की तरफ से दी गई है इन सभी घटनाओं का सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद में एफआईआर दर्ज की जाएगी और संभव है कि जिन जिन लोगों का जिक्र हो रहा है और जिन विधायकों का जिक्र प्रेस वार्ता के अंदर कांग्रेस की तरफ से किया गया है और इस ऑडियो के अंदर जिन विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं उनको भी जल्द नोटिस दिया जाएगा और उनसे पूछताछ हो सकती है। यहां पर इस पूरे प्रकरण को लेकर जिस तरीके से सीधे तौर पर एसओजी अब एक्टिव यहां पर नजर आ रही है, खरीद फरोख्त का, पैसे के लेन देन का भी जिक्र यहां पर किया गया है, क्या बाकी जो एजेंसीज हैं जांच की उनका भी कुछ इनपुट्स सामने आ रहे हैं, क्या उनकी भी अब कार्रवाई तेज होगी? देखिए, अब जब ये ऑडियो निकल के सामने आया है तो इसमें पूरी तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में संगठित तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था, यानी कि कुछ लोग थे वो तय अपने पूरे प्लान के अनुसार इस पूरे खरीद फरोख्त के मामले को अंजाम देना चाहते थे, इसीलिए ये मामला एसओजी में पहुंचा है। अगर इसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश लेन देन की अगर इस तरह की सामने आती है तो संभव है कि एसीबी में इसमें एक्टिव होती हुई दिखाई देगी।
इसी तरह का खरीद फरोख्त का मामला जिसके अंदर कुछ विधायकों के नाम सामने आए थे। एसीबी ने जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर है वहां कुछ विधायक जो निर्दलीय थे वो वहां पहुंचे थे, वहां के विधायकों से संपर्क किया था। उस पूरे घटनाक्रम को लेके एक प्राथमिक जो रिपोर्ट है वो एसीबी मुख्यालय में भी दर्ज है, जिसको लेके एसीबी भी अपने स्तर पर जाँच कर रही है। लेकिन क्या इस मामले की शिकायत एसीबी में दी जाती है, नहीं दी जाती, लेकिन अभी तक जो ये मामला है वो इस तरीके से नजर आ रहा है कि एक ऑर्गेनाइज वे में इस पूरे घटनाक्रम को फरोख के मामले को अंजाम दिया जा रहा था, जिसको लेके एसओजी इसमें एक्सपर्ट होती है, स्पेशल ऑपरेशन जो राजस्थान पुलिस का है वो उसमें एक्सपर्ट होता है और इसी तरह के मामलों की जांच करता है। इसीलिए एसओजी की तरफ से संभव है कि आज दोपहर बाद तक ये जो एफआईआर है वो इस घटनाक्रम में दर्ज की जाएगी, लेकिन उससे पहले जो शिकायत पहुंची है और जो ऑडियो पहुंचे हैं उनका सत्यापन किया जाएगा। यानी पहले पूरी तरीके से उनका सत्यापन होगा, आवाज के सैंपल्स जो है यहाँ पर लिए जा सकते हैं, ये भी जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। तो क्या भवनलाल को भी बुलाया जा सकता है इसमें उनकी वॉइस सैंपल्स के लिए, इस जो जिन तमाम चीजों को लेकर सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए, क्या उन्हें भी बुलाया जा सकता है कि उनकी जो है टेस्टिंग की जाए? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए शख्स, इस पूरे ऑडियो से जुड़े हुए जो तमाम नाम हैं उनको एसओजी सूचीबद्ध कर चुकी है। ये आधिकारिक तौर पे जो जानकारी है वो सामने आ चुकी है और एसओजी की तरफ से सूचीबद्ध करने के बाद में संभव है कि इन सभी को नोटिस दिया जाएगा कि आपके इस तरह की जो जानकारी है हमारे पास में आई है, आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं। संभव है कि उनको एसओजी मुख्यालय नोटिस देकर बुलाया जाएगा जहां उनसे पूछ, यानी एसओजी की कार्रवाई पूरी तरीके से तय है, लिस्ट हो चुकी है आखिर किस किस को बुलाया जाना है और उसके बाद वो तमाम आरोप जो यहां पर लगाए गए हैं उनका सत्यापन यहां पर होना है।